बोल्टो डी लग रहा है काफी लोग की रिक्वेस्ट सुन ली। बजट में जो लोग एक परफेक्ट हेडफोन खोज रहे थे अभी तक नहीं था, बट चाहिए हेडफोन्स, परफेक्ट हेडफोन है अंडर 1500 रुपीज या नहीं हम थ्रू आउट द वीडियो चेकआउट करेंगे। बट अगर आपको बेस्ट डील एंड डिस्काउंट चाहिए आप मेरे को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे लेटेस्ट लॉन्च एंड उसके साथ बेस्ट डील आपको मिलती रहेगी। नीचे लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। सो नॉर्मल पैकिंग मिलती है यहाँ पे, हेडफोन्स की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। इनसाइड द बॉक्स आपके सबसे पहले हेडफोन्स प्लेस है, बट उसके अलावा आप बात करें यहाँ पे आपको पेपर वर्क मिल जाएंगे, एक चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल है, एक ओक्स केबल यहाँ पे प्रेजेंट है विद योर हेडफोन्स। अब जो हेडफोन्स है पूरी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, इस बजट पे आपको इस टाइप की ही बिल्ड क्वालिटी देखने वाली है, बट थोड़ा सा पॉलीकार्बोनेट टच दिया हुआ है एंड कहीं कहीं भी रफ टेक्सचर भी फील होता है। एयर कप्स पे दोनों पे आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये फ्लेक्सीबल भी है एंड आप इनको फोल्ड कर सकते हैं, साथ साथ रोटेट कर सकते हैं, सो कैरी करना काफी इजी हो जाता है इस टाइप के हेडफोन्स को। नाउ जो पूरा हेडरेस्ट वाला सेक्शन है वो इन्होंने कवर किया हुआ है प्रॉपर एंड यहाँ पे आपको कुशन्स की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। जो एडजस्टमेंट वाला सेक्शन है वो यहाँ पे आपको मेटालिक मिलता है एंड बटन कंट्रोल पोर्ट्स वगैरह आपको राइट साइड में यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, जहां पे आपको डेडिकेटेड बटन मिलता है फॉर इक्वलाइजर मोड। एंड ये हेडफोन ओवर ईयर है, थोड़ा सा टाइट ईयर ग्रिप ये बनाते हैं जिसमें अगर आप लोग जिम या जॉगिंग के लिए यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्कल पे यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो वहां पे स्टार्टिंग में दिक्कत रहेगी बट थोड़ा टाइम बाद आप यूज्ड हो जाएंगे। इस टाइप के जो हेडफोन्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं जॉगिंग के लिए, जो आपके हेड से नहीं गिरते। यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आपको मिलता है, सिंगल पेयरिंग है अनफॉर्चुनेटली, बट यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक मिल जाएगा। आप किसी भी डिवाइस से इसको वन क्लिक में पेयर कर सकते हैं एंड मैनुअल पेयर ही करना पड़ेगा, कोई भी आपको गूगल फास्ट पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं मिलती। कनेक्टिविटी रेंज आपको मिलती है अप्रोक्स 10 मीटर की विदाउट एनी ऑब्स्टेकल एंड 10 मीटर के आराम से रेंज दे देता है। उसके अलावा साउंड क्वालिटी भाई 40 mm के ऑडियो ड्राइवर्स एंड मैं किस चीज से इंप्रेस था वो था इसका इक्वलाइजर मोड। 4 इक्वलाइजर मोड आपको दिए गए हैं, बेस, रोक, ओप, वोकल, तो आप इनमें से शिफ्ट कर सकते हैं एंड डेडिकेटेड बटन दिया गया, सिंगल प्रेस से आप एक से दूसरे मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपको हल्का फुल्का डिफरेंस फील होगा एंड अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो आप बेस बूस्ट मोड यूज कर लेना, जो आपको हर म्यूजिक पे थोड़ा सा इनहेंस बेस प्रोवाइड कर सकता है। टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं की गई है, बट स्टिल ए डिसेंट साउंड सिग्नेचर मिलता है कंपेयर टू द कंपेटिटर एट दिस प्राइस कैटेगरी। वो आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन ही नहीं देते, एप्लीकेशन सपोर्ट तो दूर दूर तक नहीं मिलता किसी भी हेडफोन्स में, बट एटलीस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है एंड कई लोग के लिए ये चीज डील ब्रेकर हो सकती है जो लोग एटलीस्ट बजट में एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो है ना इसकी साउंड क्वालिटी आपको उतना लाउड फील नहीं होगी, बट अदर ब्रांड्स के कंपेयर ये स्लाइटली लाउडर है। सेकंड चीज 100% वॉल्यूम इज डिसेंट इनफ, डिस्टॉर्शन वगैरह फील नहीं होगा क्योंकि उतना लाउड है ही नहीं। बेस की क्वालिटी भी आपको कुल मिला के ठीक मिलती है, सेपरेशन ये उतना मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप इसको परचेज कर रहे हैं। उसके अलावा बटन कंट्रोल सेल्फ डिफाइंड है, आप म्यूजिक को प्ले पॉज करने के अलावा वॉल्यूम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल आ रही है कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन आप कर पाएंगे एंड फॉर डिफरेंट म्यूजिक आप यहाँ पे इक्वलाइजर के लिए बटन यूज कर सकते हैं जो आप चेंज कर पाएंगे एंड अगर आपको बेटर साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पे 3.5 mm जैक यूज कर सकते हैं। बोल्ट यहाँ पे 60 ms की लो लेटेंसी भी प्रॉमिस करता है, बट कोई भी चीज यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि भाई किस टाइप से आप गेमिंग के लिए लेटेंसी इनेबल करेंगे, कोई बटन नहीं है। एंड अगर आप बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की ड्यूरिंग गेम, सो यार 60 ms में जितना फील होता है आपको हल्का फुल्का डिले नजर आएगा, सेपरेशन यहाँ पे उतना क्लियर आपको नहीं मिलते, तो आप गेम में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे, बट कैजुअल गेमिंग है तो कोई चैलेंज नहीं है, बट या प्रोफेशनल गेमिंग तो आप कर नहीं पाएंगे इवन दो अगर आप यहाँ पे 3.5 mm जैक यूज करते हैं, बिकॉज ये गेमिंग बेस्ड हेडफोन्स नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाता है काफी अच्छा बैटरी बैकअप 70 hours का, बट वो आपको मिलता है अंडर सम टर्म एंड कंडीशन, बट स्टिल आप अगर इसको मैक्सिमम कंडीशन पे भी यूज करेंगे 30-40 hours के बीच में बैटरी बैकअप मेंटेन कर लेगा, विच इज अ सिग्निफिकेंट गुड नंबर अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज भी करते हैं तो भी अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं ओवर ईयर हेडफोन्स हैं ये प्रॉपर नहीं, बट या 90% लोगों के लिए ओवर ईयर हैं ये, तो यहाँ पे आपके ईयर प्रॉपर पैक हो जाएंगे एंड आपके सराउंडिंग को इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, मतलब जो बैकग्राउंड नॉइसेस होते हैं अनवांटेड नॉइसेस होते हैं वो कुछ हद तक 30-40% तक कैंसिल आउट हो जाती है बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द ओवर ईयर डिजाइन। बैटरी कॉलिंग के लिए यहाँ पे आपको ENC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, कोई भी माइक्रोफोन नंबर क्लेम नहीं है, माइक्रोफोन क्वालिटी यार हेडफोन्स की काफी पैथेटिक होती है, बट हमने टेस्ट किया, ये कुछ रिजल्ट्स। हमने परचेज भी कर लिया आज मॉर्निंग से, आप लोग ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेडफोन के रिव्यू की, थोड़ा लेट हो गया, बट हेडफोन जो ना साउंड क्वालिटी में काफी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको इक्वलाइजर मोड मिलता है विच इज स्पेशल अबाउट दिस हेडफोन एंड बेस आप इंक्रीज कर सकते हैं डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिलता है, बट ये है इसके माइक्रोफोन आउटपुट
अगर आप थोड़ा बहुत अनाउंस यहाँ पे इन्वॉल्व कर दें तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगी। सो आपने रिजल्ट चेकआउट कर लिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोल कूलर की, तो भाई प्राइस के अकॉर्डिंग भी आपको काफी अच्छी कोल एक्सपीरियंस मिल जाता है। नाउ IPX5 रेटेड है। अगर हम बात करते हैं कुछ सोलिड रीजन की, किन की वजह से आपको परचेज करनी चाहिए। फर्स्ट, बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी पसंद है, क्योंकि यार लिमिटेड नंबर ऑफ हेडफोन्स यहाँ पे हैं जो इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी नहीं देती। आप फोल्ड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एंड अगर इस टाइप से अगर आपको हेडफोन कैरी करना पसंद तो आप वो चीज यहाँ पे कर पाएंगे। ओवर ईयर डिजाइन है, तो बिल्ड क्वालिटी फैक्टर इज सॉलिड विन। यहाँ पे साउंड क्वालिटी में बड़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलती है, जहाँ पे 4 इक्वलाइजर एयर है, दूसरे हेडफोन्स नहीं प्रोवाइड करते। कूलिंग भी कंपेटिटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी बेटर है, एंड इवन दो बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा काम किया गया। तो यार 1300 रुपए में इससे बेटर डील आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस आप जेब्रोनिक्स A1 या फिर मफ M3 की ओर देख रहे हो, फोटोनिक्स की ओर से, जो ANC बेस्ड हेडफोन्स है, बट स्टिल एक गुड वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं आप ले सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको बेटर डील एंड डिस्काउंट चाहिए आप हमें ज्वाइन करना मत भूलना, उन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।